ना, फ्री का तो सब लोग ले लिया। उसी प्रकार से सिस्टम यूएसए से स्टार्ट हुआ, सबसे बड़ी बात यह है। और ये क्या है, पलवा इंटरनेशनल इसका नाम है, इसको ये डिजिटल रेवोल्यूशन है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम में आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग इस डिजिटल दुनिया से है। फेसबुक का मालिक, अब गूगल में सर्च कीजिए, गूगल बाबा कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, गूगल कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, फेसबुक कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, नेटफ्लिक्स कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, अमेजोन आप देख लीजिए उसका कौन सा प्रोडक्ट है। तो पता चलेगा ये सब चीजें एक सॉफ्टवेयर है। आज दुनिया में ओयो का मालिक जो है 26 साल का लड़का, आज 35,000 होटल का मालिक मात्र 6 साल में है। सिर्फ उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर पे सारे होटल को डाल दिया। आज जमाना ऐसा है कि दुकान नहीं दिखता है लेकिन माल बिकता है कि नहीं। आज फ्लिपकार्ट जो ये सब देख रहे हैं, बड़े बड़े मॉल धराशायी इनके सामने हो गया है। इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे डिस्काउंट मिलता है ज्यादा, और मॉल में जाएंगे तो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसे स्टाफ का सैलरी देना और दुनिया भर की चीजें होती है, इस वजह से उतना मार्जिन सबको बराबर मिलता है। पलवाइन का जो अर्थ है सर, वो है मोतियों का माला, कि एक ही माला के हम लोग जो भी लोग जुड़ते एक ही माला के मोती, एक आदमी जो भी जुड़ता है सब एक ही माला का मोती है, इसलिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो दुनिया के किसी भी कोने में है, एक ही माला के मोती है। यही कारण है कि आज यहाँ पे सभी लोग पैसा कमाते हैं और सभी लोग के पास पैसा जाता है। और सिस्टम में जैसे भंडारा में पहला व्यक्ति को पहला प्रसाद मिलता है, उसी प्रकार से लास्ट तक बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से जो जैसे जुड़ रहा है सबको भंडारा का प्रसाद पलवाइन के द्वारा मिलेगा ही मिलेगा। ये है क्या, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें अंतर क्या है, आपने सुना होगा, यह एक एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब होता है बिना सामान की दुकान। जैसे कहीं भी आपको अमेजोन का जो है मॉल नहीं मिलेगा, तो उसका ऑनलाइन पोर्टल है, उस पे लोग जाते हैं और माल खरीदते हैं। कहां से माल आ रहा है वो भी ना दिख रहा, ठीक है, और कहां से जो है सामान बन रहा है वो भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ फोटो दिखता है। हम बुक करते हैं, घर पे आता है, पसंद आता है तो रख लेते हैं, नहीं पसंद है तो रिटर्न हम भेज देते हैं। तो बिना सामान की दुकान आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अमेजोन के पास है, नंबर वन नंबर टू पे ट्रेंड कर रहा है, बिल गेट्स को भी पीछे पिछाड़ दिया। बिल गेट्स कितना अमीर आदमी इस दुनिया का, उसको वो कितना कितना प्रोडक्ट कौन कौन सा चीजें सॉफ्टवेयर बनाया हार्डवेयर बनाया, लेकिन आज देखिए अमेजोन बहुत कम चंद समय में आज सबको पिछाड़ते हुए आगे निकलता जा रहा है। उसी प्रकार से सिस्टम जो है ये रेफर और यर्न के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि आप किसी को अगर ये सिस्टम अच्छा लगता है, हमारा प्लानिंग अच्छा लगता है, हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, इसका आप प्रचार प्रसार करेंगे और पैसा कमाएंगे। नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क नो लायबिलिटी सिस्टम इतना बेसिक चीजें पे काम करता है कि हर आदमी इतना पैसा मांगता है जितना वो दे सके। जैसे एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो उसके बर्थडे में पहले ही बर्थडे पे 2,500-2,500 रुपए इकट्ठा कर देता है, समझ गए, एक स्मॉल अमाउंट से सिस्टम स्टार्ट होता है। और उसके बाद कहीं भी जाते हैं तो कोई इतना आदमी बोलता है कि माल बेचना पड़ेगा क्या, सबसे बड़ा यूथ के लिए अरे ये सब माल बेचने वाला काम, ये सब जो है झोली में लेके टहलने वाला काम है, तो लोग पसंद नहीं करते। ये क्या है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है सर, कुछ नहीं बेचना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कोई आरओआई नहीं, कोई कोयन नहीं, कोई समय सीमा नहीं है, जब मन करे तब इसका प्रचार कीजिए पैसा कमाइए। कोई यहाँ पे जो है डेली वीकली क्वार्टरली मंथली क्लोजिंग नहीं है, यानी कि पैसा जो मिलेगा ना डेली मिलेगा ना वीकली मिलेगा ना क्वार्टरली मिलेगा ना मंथली मिलेगा, तो मिलेगा क्या, सेकेंड में मिलेगा, यानी हाथों हाथ सबसे बड़ी बात यह है। कितना मिलेगा, तो एक अकाउंट भी अगर आप ओपन करेंगे उसका 50% माल आपको हाथों हाथ मिलेगा, ठीक है। दूसरा हमारा बताने का है कि ग्लोबल वर्किंग और सिंगल ले वर्किंग, यानी कि ये दुनिया का आठवां जो है इसलिए है कि पूरी दुनिया के काम से आपको पैसा मिलने वाला है। अब सोचिए ड्यूटी दिल्ली में हम करें और सैलरी गांव में यहां आपको मिले, कैसा रहेगा, मजा नहीं आएगा। आप ड्यूटी करें आपके भाई को सैलरी मिले, कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो यही है सिस्टम। उसके बाद है टोटल वर्क फ्रॉम मोबाइल, सारा काम मोबाइल पे होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टोटल वर्क फ्रॉम मोबाइल फोन। आप जो आपको ज्वाइन करवा रहा है आप अपने अपलाइन यानी कि जो जुड़ा हुआ शख्स है उसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले जुड़ा हुआ है वही सब मक्खन मलाई खा रहा है और आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। इस सिस्टम को बनाने वाले का भी नाम लेना जरूरी है, डॉक्टर डेनियल जॉनसन जो यूएसए से हैं, और ये ग्लोबल लॉन्चिंग 2015 में हुआ, समझ गया, ये सिस्टम 2000
और इंडिया में आया है सर एंड में 2017 में, अवेलेबल 139 अब 154 कंट्री में काम चल रहा है हर जगह। क्योंकि है क्या, ये सिक्योर सिस्टम है, जो आईटी के लोग हैं वो समझ सकते हैं इस चीज को कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बहुत सारे हैकर भी हैक कर लेता है, लेकिन अपना सिस्टम इतना पावरफुल्ली है कि हाईली सिक्योर्ड और सॉफ्टवेयर है, सेल्फ सर्वर है। सबसे बड़ा बात है, जो बैंक भी चलता है तो सर्वर पे चलता है, उसका प्रोग्रामिंग होता है, उसका सॉफ्टवेयर, और कितने बैंक में जाइएगा तो हमेशा सर्वर ही डाउन रहता है, कहता है सर्वर डाउन चल रहा है। लेकिन पल बैंक का सर्वर जिंदगी में ना डाउन हुआ ना डाउन होगा, सेकंड में जैसे ही उंगली दबाते हैं वैसे ही आपका पे आउट रिलीज कर देता है। उसी प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी है, हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, टेक्निकल टीम सपोर्ट है, सर्वर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, DNS, DDoS और SSL सर्टिफिकेट। कोई भी वेबसाइट बनाता है तो नौकरी कहेगा ऐसा तो वेबसाइट हम भी बना सकते हैं, लेकिन भैया ऐसा वेबसाइट बनाने में करोड़ों रुपया पैसा लगता है, लाखों रुपये वाला वेबसाइट नहीं है कि गए और 1 लाख रुपये में बना के आ गए या 25,000 में बना के आ गए, वो कैसे हैंग करता है आपको पता है, 50 को अगर 100 को आईडी एक बार में लग गया ना तो गोल गोल घूमने लगता है, समझ गए। तो सिस्टम इतना फास्ट है कि उंगली जब भी आप कैसा भी नेटवर्क हो उंगली दबेगा तो आपका आईडी को ग्रीन एक्टिवेट करके ही निकलता है, पीछे हटता नहीं। उसके बाद ये है क्या, एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम है सर, ये ऑटो मोड में सारी चीजें चलता है, रोबोट जैसे होता है ना रोबोट, आज रोबोट ऑपरेशन तक कर रहा है बैठे बैठे, सिर्फ उसको डायरेक्शन देना होता है। आज दिल्ली में स्टार्ट हो गया है बिना ड्राइवर के मेट्रो, अब सुने होंगे बिना ड्राइवर के मेट्रो हम सफर भी करके आए, तब ड्राइवर भी नहीं है, सोचिए आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, हम लोग का तो सिर्फ दर्शक बन के रह जाएंगे, सारा काम रोबोट वोबोट करके चल जाएगा, समझ गए। बेरोजगारी वेब मोबाइल एप्लीकेशन भी इसका, डिजिटल वॉलेट भी है, ऑनलाइन में न्यूज चैनल भी इसका है palwine.co पे, लाइन एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप की तरह काम करता है इसका चैनल पार्टनर है, आने वाला समय में मैं बताने जा रहा हूँ जो इसका प्लानिंग है वो बहुत बड़ा प्लानिंग है, अगर एक प्लानिंग हिट हो गया पूरी दुनिया पे राज करेगा ऐसा सिस्टम है। पहला है शॉपिंग पोर्टल, आज अमेजोन पूरे लॉकडाउन में इतना माल छापा है कि कहना नहीं है सर, तभी तो टॉप वन पे आ गया, क्योंकि वो घर घर सामान पहुंचवाता है, उसका कोई सामान नहीं होता, तो शॉपिंग पोर्टल आने जा रहा है सिस्टम का। फिर सर्च इंजन जस्ट लाइक गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है, आज जितना गुरुजी ज्ञान नहीं देते उससे ज्यादा गूगल बाबा ज्ञान देता है, एक सवाल का गुरुजी को 2 फॉर्मूला पता है लेकिन गूगल बाबा को 10 फॉर्मूला पता है, समझ गए। तो आज गूगल ज्ञान भी बहुत बड़ा ज्ञान हो गया आज के डेट में, कितने गूगल से भी ज्ञान ले लेते हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक, उसी प्रकार से मोबाइल नेटवर्क जैसे जियो है उस तरह से प्लानिंग है, पेमेंट गेटवे पूरी दुनिया का ट्रांजेक्शन के लिए पेमेंट गेटवे भी लगाना पड़ता है, लगाने जा रहा है, पीवी मिंट कार्ड एटीएम कार्ड की तरह 2025 तक प्लानिंग चल रहा है कि इंटरनेशनल बैंक के रूप में पर्ल बैंक आएगा, जिसके लिए पूरा काम हो रहा है, समझ गए। और आज अगर यही बात 2010 में पेटीएम आके बोलता तो हम लोग भी उसे मजाक बनाते, तो पेटीएम वाला बोलता है कि बैंक बनेगा, आज बन गया ना, समझ गए। तो चीजें जब होती है तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं होने वाला, लेकिन वही चीजें होता है। अब आपको एक मजे की बात बताने जा रहा हूँ कि सोशल मीडिया ई कॉमर्स में इनकी कमाई कैसे होती है। आज तक हम लोग को पता ही नहीं था कि भाई व्हाट्सएप पैसा कमा लेता है, जबकि व्हाट्सएप को हम चमन्नी नहीं देते कभी, कभी व्हाट्सएप वाला का फोन आया कि रिचार्ज कर लो, जियो वाला का मैसेज आता है, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर वाले का नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो आपसे लेना देना उसे है ही नहीं, लेना देना किससे, जियो नेटवर्क से, समझ गए। तीन लोग पैसा जो कमाने का इनका ट्रेंड है वो है जितना देर, जितने निकम्मा लोग हैं, जितने समझे कि माइंड में इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उसी से पैसा कमाता है। आप जितना समय फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम पे बर्बाद करते हैं उतना ही लोग माल छापता है, समझ गए। कैसे, जो आप रिचार्ज करते हैं 149 में आपको देखे होंगे 1.5 GB डेटा डेली देता है, वो डेटा क्या होता है, वो पैसा है, उसको आप खर्च करते हैं, आप सेटिंग में जाएंगे सारा डेटा आ जाता है, डिटेल आ जाता है कि व्हाट्सएप पे कितना MB खर्च किए, ट्विटर पे कितना किए, उसका डिटेल आता है ना। उसी प्रकार से 75% जो डेटा का पैसा है वो चार्ज करता है जियो एयरटेल वोडाफोन से, वही मेन माल है। नहीं तो आप खुद सोचिए फेसबुक का मालिक व्हाट्सएप क्यों खरीदा, आप ही बताइए, आपको प्रॉफिट ना हो क्यों खरीदिएगा, $5 बिलियन समझ गए, कितने करोड़ का खरीद लिया उसने, क्या जरूरत थी, सोचने का विषय है ना कहीं प्रॉफिट होगा। तो बहुत माल छाप रहा है सर, इन लोगों का कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम ही लोग से कमा रहा है। उसी प्रकार से लाइन YouTube में आप देख रहे होंगे, YouTube में आप लोग 3-3 घंटा फिल्म देख रहे हैं लेकिन आपको नहीं लग रहा कि पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, 2-2 GB जो डेटा है पूरे खा जाएगा वो, समझ गए, वही चार्ज है उसका।
उसी प्रकार से ओयो रूम से आपसे कुछ नहीं लेता, लेकिन आपको और आप कस्टमर हैं तो आपका जो है लिंक का होटल वाले से करवा दिया और बीच का 10% 15% वो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। रुकिए ना दस, आप लोग बता दो, पेटीएम का एप्लीकेशन और SBI का एप्लीकेशन, इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन, आज मोबाइल नंबर ही अकाउंट नंबर हो गया सर, 10 अकाउंट नंबर से 10 में ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि सारा लिंक अप मोबाइल नंबर से हो रहा है, उसी प्रकार से पेटीएम और SBI में आपका अकाउंट खुलता है, होता है नहीं खुलता है? और आज के डेट में मैं आपको बता दूं, पेटीएम में आज 35 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बन गया, उसका मेन श्रेय जाता है मोदी जी को। कैसे? नोटबंदी जब हुआ सबसे ज्यादा कस्टमर पेटीएम का नोटबंदी में बना, क्यों? क्योंकि दिल्ली हो या दरभंगा हो, हर ATM में पैसा निकलना बंद हो गया था, समझ गए? बैंक से पैसा नहीं निकल रहा था, बहुत दिक्कत थी लोगों को, सामान लेना तो कैसे लेगा, तो पेटीएम से लिंक हो रहा था जरूर, समझ गए? तो आप कोई भी सामान लेना है तो पेटीएम से दे रहे थे और आपको सामान मिल रहा है, उस टाइम में पेटीएम ज्यादा यूजर बना और आज पेटीएम बैंक आपके रूप में है उसी प्रकार से। लेकिन कोई पेटीएम यूज करने वाला करोड़पति नहीं बना, उसका मालिक जरूर बना लेकिन यूज करने वाला नहीं बना, उस प्रकार से SBI का है। और पर्ल बैंक का भी आपका सिस्टम आ गया है, सेम बार कोड है, सब कुछ आने वाले समय में दुकान दुकान पे बार कोड दिखेगा। सिस्टम में आने के लिए सर नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID लगता है और एक बार 2250 रुपया एक ही आप ओपन कर रहे हैं। इसकी चर्चा करेंगे तो आपको सबसे पहला जो इनकम मिलेगा वो है हमारा रेफरल इनकम। रेफरल इनकम जो होता है, समझ गए, रेफरल इनकम केंद्र में 50% मिलेगा। आप जिस भैया का अकाउंट खुलवाए 2250 लिए, आधा पैसा तो आपके पास सेकेंड में मिल गया, समझ गए? जितना अकाउंट आप कहेंगे, कितना अकाउंट खोलना भाई, जितना खोलना है खोलो, हर अकाउंट से आपको 1125 मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई व्यक्ति अगर 10 अकाउंट महीने का खोला तो उसको जो है 11250 रुपया आ गया, कोई व्यक्ति 100 अकाउंट खोला तो 1,12,500 रुपया कमा लिया। तो टोटली डिपेंड आप पे करता है, आप जैसे कोई बैंक में काम करता है, लोन का काम करता है, तो उसको कोई पूछेगा कि भैया इस महीने में कितना लोन देना है, अगले महीने कितना कस्टमर, जितना चाहे उतना दे दो, समझ गए? तो यहाँ पे वही सिस्टम है। उसके बाद दूसरा इनकम भी है, दूसरा इनकम है हमारा टीम परफॉर्मेंस बोनस। टीम परफॉर्मेंस बोनस क्या है कि इसमें आपको 1125 तो मिलता ही मिलता है, 1218 रुपए मिलता है, जो होता है सर 55%। जो आपने अपने गांव कस्बा का जो भी अकाउंट खोले उसका 55% माल आपके पास ही आ गया, समझ गए? और वो कितने लोग को मिलता है? 8 लोगों को मिलता है सर। 93 रुपए आपको भी मिलेगा, साथ में आपके ऊपर के 7 अपलाइन में ये बढ़ जाएगा 93 रुपए। ये दूसरा इनकम था। उसके बाद तीसरा इनकम जो 2250 रुपए आप दे रहे हैं उसका पूरा हिसाब किताब है। 1125 रुपया रेफरल इनकम के रूप में 93 रुपया 8 लोगों में बढ़ जाएगा, 750 रुपया जो है वो चला जाता है टीम परफॉर्मेंस में। तो 1125 और 750 दोनों कितना हो गया 1875 रुपया। 2250 में जब माइनस करेंगे 1875 तो बचेगा 375 रुपया। सोचिए, पहला सिस्टम है जो एक एक पाई पाई का हिसाब आपके पास ही दे रहा है और आपको रिटर्न कर रहा है। तो ये जो 375 रुपया बचता है इसके बदले आपको सिस्टम कमिटमेंट करता है 32,89,000 रुपया 8 किस्तों में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी में लोगों का BP शुगर हाई हो जाता है, 2250 रुपये में 32 लाख वहीं पे फ्लैट रहता है इंसान, है ना? लेकिन आप समझ के जाइए कि कहां से दे रहा है, आपको भी लगेगा यार बहुत कम दे रहा है, अभी तक बहुत भारी था लेकिन मैं इसको हल्का अभी करके जाऊंगा आपसे। तो 2250 रुपये में कितना पैसा बचा? 375 रुपया। अब इस 375 रुपये के खेल में 32 लाख रुपए आपको साबित करने जा रहा हूं पैसा ये मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ये समझिए, फॉर्मूला क्या है। टोटल पूरी दुनिया में 26 लाख लोग हैं, जो बात बोलूंगा उसको कैच कीजिएगा और गौर से समझिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर स्लिप कर जाएगा। पूरी दुनिया में 26 लाख लोग हैं, ये 26 लाख लोग, सब आदमी तो निकम्मा नहीं निकलेगा ना, सब आदमी तो भैया 1218 रुपए एक खाता खोलता है 1218 रुपए आता है, सबको अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ इस बेरोजगारी के दौर में सरकार के पास नौकरियां नहीं है, लोग सरेंडर कर दिए, सरकार किसी की भी हो सबके पास नौकरी नहीं है, आजकल कोई प्लान नहीं है। लेकिन पर्लवाइन चाहता है कि इस दुनिया से बेरोजगारी दूर हो, घर घर जाके लोग समझाए, समझ गए? तो इसमें क्या मिलेगा 32 लाख का जो आएगा, तरीका देखिए और समझिए, तरीका क्या है। पूरी दुनिया में 26 लाख लोग हैं, उनकी वजह से आपको पैसा आएगा, समझिएगा। अगर आप काम नहीं करते तो सुबह उठ के भगवान से दुआ मांगिए कि पर्लवाइन के 26 लाख लोग करोड़पति बन जाए, आप ऑटोमेटिक बन जाइए, क्योंकि इसमें सभी लोग का काम से पैसा आता है। आप नहीं कर पा रहे लेकिन
26 लाख में हम कहते हैं 1 लाख आदमी तो काम करेगा, और 1 लाख आदमी अगर काम करेगा तो महीने का एक अके अकाउंट खुलेगा, तो 1 लाख अकाउंट खुलेगा ना। और 1 लाख अकाउंट कैसे फिल होता है, शुरुआत से 4 अकाउंट जैसे ही आपके नीचे गिरेगा आपको पहला किस्त मिल जाएगा 30 रुपया, 0.40 डॉलर पहला। जब आपके बटुआ में 0.40 दिख जाए समझ लीजिएगा पहला किस्त आ गया, यानी कि 4 आदमी सिस्टम ने आपके नीचे ऑटोमेटिक जोड़ दिया है। समझ गए, अब ध्यान से समझिए कहां से दिया, एक अकाउंट खुलता है तो 375 रुपया बचता है, तो 4 अकाउंट से कितना बचेगा 1500 रुपया, सीधा फॉर्मूला है 1500 में कितना रुपया दे दिया 30 रुपया, यहाँ पे किसी को भी मालिक बना देंगे सब आदमी दे देगा, हम ही आपको 1500 रुपया लेके और आपको बोले 30 रुपया दे दो, नहीं दीजिएगा, पार्टी भी दीजिएगा, 1500 रुपया लेके आप 30 रुपया मांगने चला है, समझ गए। उसी प्रकार से दूसरा किस्त जहाँ फेल होंगे वही आप हमारे रोक दीजिएगा, दूसरा किस्त कब देगा, एक का दो करने का सिस्टम नहीं है सर, ये सिस्टम को समझने का सिस्टम है। दूसरा किस्त तब देगा जब 16 अकाउंट आपके नीचे गिरेगा पूरी दुनिया से, 26 लाख लोगों के द्वारा जब आपका नंबर आएगा, इसीलिए तो टाइम लगता है एक साल, 16 अकाउंट जैसे ही आपके नीचे गिरा आपको मिलेगा 1200 रुपया। आप बताइए 16 अकाउंट मतलब क्या हुआ, एक अकाउंट में 375 रुपया बचा, तो 16 अकाउंट में 6000, और 6000 रुपया फिर आपके पास लेके आए और आपको बोले 1200 रुपया दे दो, नहीं दीजिएगा, कहां कहां बटेगा, एक बटेगा ऊपर एक बटेगा नीचे, 1200 रुपया हमें दीजिएगा क्योंकि मेरे नीचे 16 हुआ, लेकिन 4 के नीचे 4-4 हुआ होगा तभी ना 16 हुआ, तो 4 आदमी कितना मांगेगा 30-30 रुपया, सर गणित है समझ सकते हैं, तो 4 आदमी 30-30 रुपया कितना होता है 120 रुपया, और 1200 मेरा दोनों जोड़ दीजिए 1320 रुपया, 6000 लेके आए 1320 रुपया मांग रहे, नहीं दीजिएगा अकाउंट, जब आपके नीचे 64 अकाउंट, ये नई अकाउंट की बात कर रहा हूँ, पुराना का हिसाब किताब नहीं है, ये सारा नई अकाउंट आता है उससे आता है, तो 64 अकाउंट आपके नीचे जैसे ही आएगा आपको मिलेगा 4800 रुपये, 64 डॉलर, 64 अकाउंट से 375 से गुना करेंगे तो 24000 रुपये होता है, कर लीजिए, और मांग कितना रहे, आए आपके पास 24000 रुपये लेके इस बार, और आपसे 4800 रुपये मांग रहे हैं, और देखिए 64 कैसे हुआ होगा, 4 आदमी का 16-16 हुआ होगा, सीधा फॉर्मूला है, तो 4 आदमी का 16-16 होगा तो जिसको 16 होगा 1200 मांगेगा, सीधा फॉर्मूला है, तो 12 चक्का 48, 4800, एक आदमी चिल्लाएगा 4 आदमी 1200 वाला देने वाला, मतलब देंगे उसको, प्लस में 16 आदमी 30-30 रुपया, 16 चक्का 64, तो 16 × 30 करेंगे तो 480 रुपया होता है, और 4800 यहाँ 4800 वहां, 1200 × 4 करेंगे तो 4800 हुआ ना, तो 4800 और 480 जोड़ लीजिए कितना होता है 10080, लेके कितना हमारे 24000, नहीं दीजिएगा भाई साहब, थक जाओगे हमारे बोलते बोलते हम थक जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है, ऊपर से लेके नीचे से चौथा किस्त तब मिलेगा जब 256 अकाउंट आएगा और आपको मिलेगा 19200, पांचवा किस्त तब मिलेगा जब 1024 अकाउंट आएगा और आपको मिलेगा 38400 रुपया, और छठा किस्त 4096 अकाउंट आएगा तब मिलेगा 1,53,600 रुपया, उसके बाद सतमा किस्त 16384 अकाउंट आपके नीचे आएगा 6,14,400 मिलेगा, और आठवा किस्त 65536 अकाउंट आएगा और आपको मिलेगा 24,57,600, टोटल अकाउंट को जोड़ के देख लीजिए, मैं सब हिसाब लगा के आया हूँ 3,26,000 रुपया होता है, क्योंकि 87,000 अकाउंट आपके नीचे खोल दिया सिस्टम ने, 87,000 × 375 करेंगे 3,26,00,000 के आसपास होता है, जिसमें से आपको कितना लेना है 3 करोड़ देगा कि नहीं देगा, दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ, मोदी जी आज बोल रहे सिस्टम अगर चाहे गांव के आदमी गांव के अमीर बना सकता है, फॉर्मूला बताता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के आदमी को भी अमीर बना सकता है, पूरे हिंदुस्तान में कितना आबादी है 140 करोड़ हो गया होगा, सब आदमी को ये बोला जाए कि भैया 10-10 रुपया देना है, करोड़पति बनाया जा रहा है, नहीं समझे, 10-10 रुपया देना है, एक पेटीएम नंबर है, 10-10 रुपया देना है, एक घर से अगर 10 आदमी होगा 100 रुपया देगा, किस लिए देगा, क्योंकि उसे हम ये बता रहे हैं कि भाई उसमें से 1 लाख आदमी को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा, आदमी क्या देख रहे हैं 10-10 रुपया है, हम 10 आदमी नाम से देते हैं, एक का तो किस्मत में होगा, अगर एक का भी क्लिक हो गया तो 100 रुपया के बदले कितना मिलेगा 1 करोड़ रुपया, और 140 करोड़ अगर जनता है तो मेरा दावा है एक घर से 10 अकाउंट नहीं 20-20 अकाउंट खोल देगा, चिंटू पिंटू सबका खुल जाएगा, मैं रियल बता रहा हूँ, सोचेगा 20 को डालेंगे एक को तो लगेगा, लोग दे देगा और रियल में इतना पैसा आ जाएगा कि 1 लाख आदमी को 1 करोड़ रुपया, ये पावर है
आज जो आप नेता नगरी जो देख रहे हैं ना, विधायक मंत्री संतरी, ये सारा खेल ऐसे ही है। ये तो इतना बड़ा देश में इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन थोड़ा पैसा देता है बीजेपी को, देता है तो खर्चा करता है, वोटिंग वोटिंग ये देख रहे हैं सब, ये जनता का ही पैसा होता है। और पब्लिक का, बड़े बड़े उद्योगपति दान में पैसे देते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए और लगाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को जो सिस्टम दिया है ना डैनियल जॉनसन ने, एक तरीका दिया है, एक मेथड दिया है कि हर आदमी जो विश्वास कर रहा है उसका घर भरता जाए भरता जाए भरता जाए। उसी प्रकार से ये समझ में आ गया ना सर, 32 लाख कैसे देगा, समझ में आया किसी को कि नहीं है? कितने आदमी बोलता है हमारे नीचे 87,000 अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा। नहीं भैया, आपको नहीं खोलना पड़ेगा, अगर हमें खोलने बोल दे तो हम नहीं खोल पाए 87,000, है ना? ये पूरी दुनिया से खुल रहा है, इसीलिए जो यहाँ पे खुल रहा है। उसके बाद दूसरा अकाउंट है, ये है कोरल अकाउंट। जब आप 4 अकाउंट ओपन कर देते हैं, ठीक है, हाँ तो सुनिएगा, 4 अकाउंट ओपन कर देते हैं और जो आपने पैसा कमाया है, 1 अकाउंट खोलेंगे 1100, 4 अकाउंट खोलेंगे तो 4500 रुपया आपके पास आ जाएगा। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आप 4 अकाउंट खोल के इसमें आना चाहते हैं, इसमें क्यों आना चाहेगा इंसान, जहां 32 लाख मिल रहा था वहां पे 1,31,00,000 भी मिलेगा। इसमें अगर आ जाओगे तो 32 लाख भी मिलेगा, 1,31,00,000 भी मिलेगा 8 किस्तों में। वो इसमें वही आदमी आएगा जो 4 अकाउंट खोलेगा। तो आप चाहे अभी कर लीजिए या फिर जब 32 लाख आ जाए तब खोल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। ये भी 8 किस्तों में 1,31,00,000 है। उसके बाद जो है हमारा 7 तरीके का यहाँ पे जो है रैंक है, जिसको हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। एक है ONX, इसमें आने के लिए 2 अकाउंट खोलना पड़ता है। कितने का? 2250 का। इसमें आने के लिए 2250 का 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा। प्लस में आप मेहनत करके 1,50,000 रुपया कमाते तो आपकी मर्जी है, आप आना चाहते तो आइए, नहीं तो उधर एक पैसा लीजिए। तो यहाँ पे $100 यानी 7,500 रुपया डाल देंगे, 3,93,00,000 भी आपको पूरी दुनिया से आएगा सर। और ये सपना नहीं, हकीकत है। कितने आदमी का तो भाई साहब दिमाग की बत्ती गुल हो गया है, समझ गए? उसी प्रकार से अगला जो है क्वार्ज, क्वार्ज बनने के लिए आपको 2 अकाउंट और खोलना पड़ता है। 39 करोड़ रुपया आपको आएगा पूरी दुनिया से, वो देगा। 39 करोड़ रुपया का जो किस्त है ये बहुत ही मोटा है, वहाँ पे 30 रुपया आ जाते हैं, यहाँ पे 15,000, 60,000, 84,000, 11,52,000, 40,00,000 इस तरह से आता है। इसमें जाने के लिए आपको 2 अकाउंट खोलना पड़ता है, प्लस में 75,000 रुपया। आज इस सिस्टम में मेरे कम से कम संजय सर का 4-4 अकाउंट इसमें है, आप समझ सकते हैं यहाँ पहुँचे हैं 4-4 अकाउंट। मैं कहता हूँ गलती से भी ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तक भी अगर 3 साल में आ गया क्या होगा, शायद हम अपने पूरे जीवन मेहनत करते रह जाएंगे, इतना तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर एक बार यहाँ पे पहुँच गए तो जिंदगी धन्य हो जाएगा, क्योंकि पैसा आता है। और पैसा ही ऐसा चीज़ है कि आज सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसे से होता है। जो भी चीज़ें खरीदे, घर परिवार संसार भाई सब कुछ मैनेज होता है पैसे से। उसी प्रकार से अगला जो अकाउंट है सर वो एमेथिस्ट का है, जिसमें 196 करोड़ रुपया आता है। मैं बहुत जल्द इसमें जाने वाला हूँ, ठीक है, मार्च तक मेरा टारगेट है, इसमें हम चले जाएंगे। इसमें जाने के लिए 3,75,000 रुपया मेहनत करके हम इसमें डालेंगे तो पहुँचेंगे। उसके बाद टॉपाज है, टॉपाज भी पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बने हुए हैं, 393 करोड़। उसके बाद रूबी है, लगभग रूबी बहुत सारे लोग बने हुए हैं, 786 करोड़। टोटल मिला के 1,419 करोड़ रुपया तक इंसान पहुंच सकता है। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं और ये पूरे पब्लिक यहां तक पैसा देगा। सबसे बड़ा जो इनकम है सर, वो सबसे डिफरेंट इनकम है, वो वर्किंग इनकम है। जैसे सिर्फ 10-10 के अकाउंट भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 लेवल तक, बहुत पैसा आता है। कैसे? मान लीजिए 10 अकाउंट आपने ओपन किया तो 10 से कितना मिला? 10 लोगों ने 10-10 अकाउंट खोला, कितना खुल जाएगा? 100 लोगों से सर मिलेगा, सबसे पहले 93,000 रुपये मिलेगा 100 लोगों से, 9,300 हो गया। प्लस में तो 100 लोग है ना, वो आपको दक्षिणा में देंगे, जब वो सेकेंड रैंक पे जाएंगे तो 1,500-1,500 रुपया देंगे, जो होता है 1,50,000 रुपया। उसी प्रकार से 100 लोग अगर 10-10 करेंगे तो 1,000 लोग हो जाएंगे, और 1,000 लोगों से मिलेगा आपको 37,50,000 रुपये। और 1,000 लोग और 10-10 करेंगे तो 10,000 लोग हो जाएंगे, उससे मिलेगा 50,00,000 DP, जो होता है 37,50,000। एक एक दिन में सर हमारे नीचे 2-2 क्वार्ज बना है, एक एक दिन में 80,000 रुपया तक मेरे पास आया है, सोचिए एक एक दिन में। ये ऐसा सिस्टम, उसी प्रकार से आने वाले भविष्य में जब 2021 में हम एंट्री कर रहे हैं
तो एक एक आदमी दक्षिणा में हमें देगा 187,500 रुपया जब वो एमेथिस्ट बनेगा। हमारी टीम में लगभग 38 क्वार्ज बन गया है 9 महीने के अंदर। 38 आदमी ऐसा है जिसने क्वार्ज लेवल पे अचीव किया और रॉयल्टी अचीव किया है 9 महीने में। मेरा टारगेट है 31 मार्च तक 100 आदमी को क्वार्ज बनवा देंगे। और 100 आदमी में सोचिए जब उसके दूसरा तीसरा किस क्वार्ज का जब गिरेगा तो एमेथिस्ट करेगा, तो दक्षिणा में 187,500 रुपया देगा और 187,501 आदमी से आएगा। मैं बोलता पीछे में एमेथिस्ट बन गया 2021 में कितना पैसा आ जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार से टॉपाज है, टॉपाज में 375,000 दक्षिणा में मिलेगा। रूबी में 77.5 लाख रुपया तक लोग दक्षिणा में देते हैं। उसी प्रकार से 2020 बुनांजा है जो 7 फरवरी 2020 में स्टार्ट हुआ है। इसमें टाइमिंग चला था 9:30 में, जो भी उंगली दबाया आज कम से कम कोई लखपति बन गया, कोई करोड़पति बन गया सिर्फ उंगली दबाने से। क्योंकि यहाँ पे पहले कंजूरा बाद में कुरा कुछ भी नहीं था, टाइमिंग में 9:30 में जो आदमी 1500 रुपया डाल दिया वो सबसे ऊपर चला गया और उसके नीचे 4, 16, 64, 256 भरता चला गया। 65 लाख रुपया उसको एक लोगों को फ्री फोकट में मिल गया। ये ऐसा सिस्टम है। जिसने 3000 रुपया डाला 7 फरवरी 2020 को तो उसमें लगभग जो है 1,96,00,000 रुपये मिला 8 किस्तों में 3000 रुपये डाल के लोगों ने बनाया, समझ गए। उसी प्रकार से अंबर है 7,500 रुपये डाल के 4,91,00,000 8 किस्तों में मिला। और बेरल है 15,000 रुपये डालकर 9,83,00,000 लोगों ने बनाया। इससे भी लोगों के पास टीम था तो उससे भी पैसा आया। जिसकी टीम से अगेट हुई $1 दक्षिणा में मिला, जिसने एमोजनाइट किया टीम से $2 मिला, अंबर किया $5, बेरल किया $10। मतलब डॉलर डॉलर की बारिश होता है, खाली माल आता है, माल गिनते जाइए और कैश करते जाइए सीधा, बहुत पैसा आता है सर। उसी प्रकार से पैसा आएगा तो भाई जो डॉलर आएगा वो कैसे कैश होगा, तो जैसे ही अकाउंट में केवाईसी होता है, केवाईसी करने के बाद जब विड्रॉ मारेंगे तो आपको जो है 10% कटेगा और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इस अकाउंट ये जो डीपी है उसको आप आईडी ग्रीन करने में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी का भी आईडी ग्रीन किए $30 आपके पास पड़ा है, पैसा रख लीजिए, आईडी ग्रीन कर दीजिए उसी डॉलर से। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल बैंक जब बनेगा इस तरह से एटीएम कार्ड होगा, किसी भी कंट्री में जाएंगे पैसा निकालेंगे कैश कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा सिस्टम है सर जो आपको बताया। बाकी कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आया सर?